ट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुल्लू के बाशिंग में ट्रक यूनियन की पार्किंग ब्यास नदी की बाढ़ में बह जाने के चलते ट्रक एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कुल्लू में कुछ दिनों में ही दशहरा उत्सव भी शुरू होने वाला है, ऐसे में अगर जल्द से जल्द ट्रकों की पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं की गई तो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बता दें कि बीते दिनों आई बाढ़ के चलते ट्रक यूनियन को 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। बाढ़ के पानी में 6 ट्रक, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल चपेट में आ गई थी। प्रशासन ने जो पार्किंग बर्शिया में ट्रक यूनियन को दी थी वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके चलते अब चालकों ने ट्रकों को दोबारा शहर के आसपास पार्क करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक की परेशानी अब बढ़ सकती है। सड़कों पर खड़े हैं यहाँ पर ट्रक, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब सड़कों पर ये ट्रक खड़े दिखाई देते हैं तो वहाँ पर जाम की स्थिति भी बन आती है। जो सड़क वन वे है वहाँ और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये सब कुछ तब हुआ जब बारिश जोरों पर थी हिमाचल में, और कुल्लू में खासकर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ उफान पर थी, कटाव भी हुआ। कटाव होने से जो पार्किंग बनी हुई थी नदी के नज़दीक, वो पार्किंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसका निर्माण कार्य फिर से करवाया जाना है। अब देखना ये होगा कि क्या दशहरा उत्सव से पहले कोई विकल्प तलाशता है प्रशासन, या फिर ये यूं ही रहेगा और जो परेशानी है ट्रक चालकों की भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो ट्रकों को सड़कों पर पार्क करेंगे, खड़ा करेंगे। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुसीबत तो उनके लिए है जो इस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस को ही इसे देखना होगा कि वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन से अपनी व्यवस्था करती है और संभालती है। ट्रक यूनियन कुल्लू और मनाली का तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ, जिस पर मनाली हमारी 2 मंजिला बिल्डिंग थी 18 मील में, जो इस बाढ़ से सारी क्षतिग्रस्त हो गई है, और जहां हमारी बिल्डिंग थी वहां से सारा पानी चल रहा है। और कुल्लू में जो हमारी पार्किंग थी, यूनियन थी वैष्णो माता के पास, वो भी सारी बह गई है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें पार्किंग के लिए कोई हल निकाले। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई जगह चिन्हित करें, ताकि हम लोग दशहरे से पहले वहाँ अपनी पार्किंग करें, अन्यथा दशहरे में जो दिक्कत होगी उसका सामना एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना पड़ेगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं।